आज हम बात करेंगे डेसिमल टू बाइनरी कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, आप जैसे हम ये नंबर दिया है हमें 28 बेस 10, यानी कि डेसिमल, और हमें क्या करना है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें रिमाइंडर थ्योरम लगाना होता है। रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं इस तरह से, ठीक है। 28 को किस बेस में चेंज करना है, 10 की बेस को 2 के बेस में चेंज करना है, क्योंकि बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है। तो हम बेस से इस नंबर को डिवाइड करते रहेंगे, है ना, जब तक हमारा 1 नहीं आ जाता। तो 2 से डिवाइड करना है, 2 वंस आर 2, 2 फोर्स 8, रिमाइंडर कितना बचा है, 0। 2 सेवंस आर 14, रिमाइंडर बचा 0। 2 थ्रीज़ आर 6, रिमाइंडर 1। 2 वंस आर 2, रिमाइंडर बचा 1। अब ये जो रिमाइंडर बचा है उस सब को टॉप टू बॉटम लिखना है, सॉरी बॉटम टू टॉप लिखना है, ठीक। बॉटम टू टॉप में 1 से शुरू करना है, 1 1 1 0 0। तो इस तरह से हम एक डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमें 48 को क्या करना है, डेसिमल को किस में कन्वर्ट करना है, बेस 2 पे, है ना। तो बेस 2 के लिए अभी मैंने बताया जो नंबर आपको दिया है 48, उसको बाइनरी में चेंज करना है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, और जब तक डिवाइड करो जब तक रिमाइंडर जो है वो मतलब पूरा डिवाइड करने के बाद एंड में 1 ना आ जाए, तब तक डिवाइड करना है आपको, है ना। तो 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, रिमाइंडर 0। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, रिमाइंडर 0। 2 6 ज़ार 12, रिमाइंडर 0। 2 3 ज़ार 6, रिमाइंडर 0। 2 1 ज़ार 2, रिमाइंडर 1, है ना। अब हमें क्या करना है, नीचे से ऊपर हमें लिख देना है ना। तो नीचे से शुरू करेंगे, 1 1 0 0 0 0। तो इस तरह से हम किसी डेसिमल को बाइनरी में चेंज कर सकते हैं। तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। तीसरा एग्जांपल है, अगर कोई पॉइंट वाला संग आ जाए तो क्या करें, जैसे कि ये वाला, है ना। अब इसके बेस को, 10 के बेस को हमें किस में कन्वर्ट करना है, 2 के बेस में, है ना। तो कैसे करेंगे, इस वाले को तो पॉइंट से पहले वाले को कुछ नहीं करना, जैसे मैंने बताया रिमाइंडर थ्योरम लगानी है आपको, वही करना है। 28 को बेस से डिवाइड करो, बेस है 2, हमें 2 में कन्वर्ट करना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 वंस आर 2, 2 टू ज़ार 4, है ना, रिमाइंडर 0। 2 सेवंस आर 14, 0। 2 थ्रीज़ आर 6, रिमाइंडर 1। 2 टू ज़ार 1, रिमाइंडर 1। तो इस तरह से हमारा रिमाइंडर थ्योरम हुआ, है ना। तो इसे हम यहाँ लिखेंगे, टॉप से बॉटम से टॉप, है ना, 1 1 1 0 0। पर अब इसका क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, 0.125 को पॉइंट से पहले वाले को डिवाइड कर रहे थे, तो पॉइंट के बाद वाले को क्या करेंगे, इनटू, ओके। तो इसे इनटू करना है, 2 2 ज़ार 4 5, 2 2 ज़ार 1 एंड 0। इस वाली संख्या को हम अलग लिखते चलेंगे, ठीक है, इस वाली संख्या को। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आया था, 0, है ना। अब जो बचा था उसे फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 2 2 ज़ार 4 एंड 1 5। यहाँ पे क्या आया, 0। 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, वापस से 2 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 0.1, है ना।
तो यहाँ पे जो भी चीज़ आए उसे क्या लिखना है यहाँ पे, बस खत्म। जैसे ही आपका वन बन जाए यहाँ पे पूरी तरीके से वन बन जाए तो बस वहीं पे आपको ख़त्म कर देना है और इसी चीज़ को ऊपर से नीचे हमें लिख देना है। इधर क्या कर रहे थे हम, नीचे से ऊपर लिख रहे थे, इधर क्या करेंगे ऊपर से नीचे लिख देते हैं। तो पॉइंट के बाद क्या आया, 001। तो इस तरह से हम किसी पॉइंट वाले नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं।